क्यों रही गहना, ऐसे क्या कर रही तू? माँ मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं एक बच्चे को जन्म दे सकूं। और डॉक्टर साहब ने भी कहा। हाँ हाँ, तू ही एक अकेली संसार में है 18 साल की छोरी जो पहली बार बच्चा जने है। अभी अपने कर्म को अपने शरीर की कमजोरी की तो आड़ दे ही मत। ऊपर वाला सब देखे है, कुछ तो डर। अरे पाप लगेगा सने, पाप। बावली है हमारी छोरी कुंवर सा, पर आप निश्चिंत रहो, कहना ऐसा पाप ना करेगी। अरे मूर्ख, अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा बड़े घर की बिंदनी बनी है तू। ऐसा भला सासरा पाया, झोपड़े से निकलकर महल में राज करे है, और वही की जड़े खोदना चाहे। थारी जैसी बेशरम और नमक हराम छोरी मारी औलाद ना हो सके। वर्षा की बात से हमारी समझ में आ गया था कि जरूर फिर से कोई उत्पात मचाएगा इस कर्मचली ने। तभी तो थारी बहनों को साथ लाया हूं ताकि ये दोनों देख सके थारी करतूत। अरे कुछ तो सोच, कुछ तो सोच। अपने सासरे वालों को तकलीफ देकर क्यों इन छोरियों का जीवन बर्बाद करे है? थारी बदनामी होगी, कौन इनसे ब्याह करेगा? पर तने के मतलब अपने स्वार्थ में अंधी हो गई है तू। हे ईश्वर, इस छोरी के बदले छोरा दिया होता तो आज इस बाप को शर्म से सर न झुकाना पड़ता। मर गई है तुम्हारे लिए गहना, मर गई है तू। समझ लूंगा दो ही छोरियां हैं हमारी, कोई रिश्ता ना थारे से। मैं और मेरी मासा दिन रात जिस बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, जिसके लिए एक एक पल बेचैनी से काट रहे हैं, उसी बच्चे को मारने का प्रण किए बैठी है ये। एक औरत होकर भी मां बनने की चाह नहीं, दया ममता कोई भाव नहीं इसके मन में। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्या कर दिया हमने जो उस बच्चे की जान लेकर हमारे बरसों के सपने को तोड़ना चाहती है ये। आप अपनी बेटी को यहां से ले जाइए शंभू जी, ले जाइए इसे। ऐसी औरत को घर पे रखने से अच्छा है मैं निर्वंश ही रह जाऊं। हमारी छोरी ने आपका दिल दुखाया, क्षमा कर दो कंवर साहब, हमारे घर में भी इसके लिए कोई जगह ना है। नहीं मानती तो फेंक दो इसे हवेली से बाहर। कैसी बातें कर रहे हैं आप संधि सर? तू बसंत के मामले से दूर रह भैरो, बीच में बोलने की कोई जरूरत ना है। अब कोई ना बोलेगा कुछ, मैं बोलूंगी। मारी जोड़ी पे पांव धरने के साथ ही कलेश कला ले आई जे छोरी मारे घर में। इतने दुख दिए मारे छोरे को कि सांस लेना दूभर हो गया उसका। खून के आंसू रुलाए हैं इसने मारे बसंत को। रब अब तो हद पार कर दी इसने, अब तो एक घड़ी भी ना टिकने दूंगी इस छोरी को इस घर में। समूसा ले जा इस पापड़ को जहां से। माँ जी सा, एक बार पर। अरे क्या एक बार? अरे बिंद का कर्जा चुका के तुम लोगों की इज्जत बचाई हम लोगों ने, अरे छोरी को ब्याह के अपने घर में लाए, लक्ष्मी बना के रखा, बदला चुकावे कर्म चढ़ी। अरे ऐसी बींदड़े की तो परछाई भी न पड़ने दू अपने घर में। ले जाओ उसे संभूसा, ले जाओ उसे घर से बाहर। लेकिन
जाने से पहले कर्जे की सारी रकम और अब तक का ब्याज धर दे जा। और जो ना हो पाया ऐसा तो अभी से बोले दे रही हूं, हाँ जे कल्याणी अपनी रकम ऐसे नहीं तो वैसे निकाल के ही रहे। हाँ दया करो माजी साहब, दया करो, आखिरी बार से माफ कर दो। थारी चिड़कली उड़ जाएला ए बाबुल, थारी चिड़कली अब जाएला, काले जीरो टुकड़ो थारो मैं बाबूल थासू, दूर अब जाऊला हो, थारी चिड़कली उड़ जाएला ए बाबू, अब जाएला। बस सुने जा रही है, कुछ बोलती तो है नहीं। सुखना जी जी बताओ ना, बाहर क्या बातें हो रही हैं? कोई आवाज ही नहीं आ रही तो क्या बताऊं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, शायद सब लोग चले गए। तो फिर चलो ना, हम बाहर चल के देखते हैं। बस भाभी हाथ छोड़ती मैं आपके आगे, शायद दादी साहब को डांटते डांटते थक गई है, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आती कि दादी साहब किस बात पे नाराज होती है और किस बात पे नहीं। वैसे ही घर की हवा इतनी गर्म है, आपको शौक लग गया है कि दादी साहब की डांट खाने का? मुझे ऐसा शौक क्यों लगेगा जीजी? जीजी, क्या नहीं ताई जी घर में बच्चा लाएंगी? मुझसे कुछ मत पूछो भाभी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा दिमाग वैसे ही सुन हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, दादी साहब और वसंत जी कितने गुस्से में लग रहे थे बाहर। जीजी वो डर लगने से पेट में एकदम सा गोल गोल सा घूमने लगता है ना, वैसे ही घूम रहा है हमारे पेट में। जीजी एक बात समझाओ ना, जब हम लोग झगड़ते हैं तो बड़ों से कुछ भी नहीं छुपाते, और जब बड़े झगड़ते हैं तो छोटों को बाहर या अंदर जाने को कहते हैं, क्यों जीजी? ताकि तू अपने बकबक से सबका दिमाग ना खराब कर दे, समझी? क्या करेगी जानकर नीचे क्या हो रहा है, थोड़ी देर चुपचाप नहीं रह सकती? धीरे बोलना जग्या, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो अब कुछ भी नहीं बोलूंगा, एक तो स्कूल के लिए इतनी देर हो गई है और मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मास्टर जी मुझे कक्षा के बाहर ही खड़ा करेंगे और सब हंसी उड़ाएंगे। ये दादी साहब है ना, बेकार ही रोज रोज गुस्सा हो जाती है। नहीं ताई जी, मुझे जो डांट पड़ेगी उसका कुछ नहीं, और नहीं ताई जी के नाम से रोई जा रही है चुईया, हमारे पेट में भी गोल गोल घूम रहा है, पता नहीं स्कूल में क्या कहूंगा। चुप कर, तारे को कभी खुद के सिवा किसी की चिंता होती है क्या? बंदर। हे भगवान, तुम दोनों कौन से खेत के कीड़े हो, इस वक्त भी चें 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 लगा रखा है। अरे चुप रहो ना थोड़ी देर, मैं बाहर जा रहा हूँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं स्कूल चला जाऊंगा। नहीं चकिया, अगर दादी साहब ने तुझे देख लिया ना तो बहुत डांटेंगी। दादी साहब मुझे नहीं डांटती, मैं हूँ। डरो मत भाभी, वो ठीक कह रहा है, वो कुछ भी करेगा ना दादी साहब उसे थोड़ा सा कुछ बोल के छोड़ देंगी, लाडे सर है ना उनका। हाँ जीजी आप सही कह रही हो, जब भी हमारा झगड़ा होता है ना तो गलती हो या ना हो डांट तो मुझे ही पड़ती है, जबकि मैं उसके साथ कभी लड़ाई नहीं करती, वही मुझे तंग करता है और दादी साहब। बाबूसा का फोन आपके कमरे में कैसे बज रहा है? नहीं भाभी
ये आवाज तो बाबू के कमरे से आ रही है, अब जाके जरा देखो तो सही। भाभी यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? भाभी मैंने कहा ना बाबू के कमरे से आवाज आ रही है। नहीं भाभी मैंने कहा ना यहाँ पे कोई फोन नहीं, वहाँ भी कोई फोन नहीं है। मेरे भाभी भाभी यहाँ कोई फोन नहीं है। एक मिनट चीजें देखने दो। भाभी बाबू की कमरे से आवाज आ रही है। भाभी नहीं भाभी दीदी भाभी फोन तो यहाँ पर है, आप तो कह रहे थे नहीं है। पर ये तो बापू सा का फोन नहीं है, ये तो नया नया लग रहा है, पता नहीं किसका है। मैं जगदीशा से पूछ कर आती हूँ। जगिया भाभी बिल्कुल मत चिल्लाना वरना सबको पता चल जाएगा। ये मेरा फोन है। आपका? आप कहाँ से लाए जीजी? किसी को बताओगी तो नहीं ना? ये मुझे प्रताप ने दिया है। अरे वाह, नंदोई साहब के लिए कितने चौके चौके तोहफे लेकर आते हैं। और जगदीशा वो तुम्हारे लिए कभी ऐसा कुछ नहीं लाएगा, ज्यादा से ज्यादा दुकान से जलेबी उठा कर ले आएगा। अरे नहीं भाभी देखना, जब मेरा भाई बड़ा हो जाएगा ना तो आपको इससे भी अच्छे अच्छे तोहफे ला के देगा, तब तक आप मेरे फोन से बात कर लेना। लेकिन भाभी घर में किसी को भी मोबाइल के बारे में मत बताना। बोलूंगी सुगना जी जी, लेकिन आपका फोन ही इतना जोर जोर का बोलता है कि सबको पता चल जाएगा। ये तो है। मैं प्रताप से बोल दूंगी, उन्हें तो पता होगा ना किसकी आवाज कैसे बंद करते हैं। हाँ फिर किसी को भी ना पता चलेगा।